हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास वन. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड दीज थिंग्स गिवन हेयर, दैट इज मैच द कॉलम्स और या मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस एंड सम वोवेल टाइप वर्ड्स. Today we will do some class work which is given in your book. Here is some objective type questions. Okay students, इसमें अभी आप लोग, मैंने previous class में और ऑब्जेक्टिव था वो मैं करवा दी थी, आज मैं यहाँ कुछ और ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को करवाऊंगी. आप लोग केयरफुल होकर देखें. ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन में. राइट द सेम लेटर ट्वाइस इन द ब्लैंक्स टू मेक वर्ड डेट मैच द पिक्चर वन हैज बीन डन फॉर यू. इसमें पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ स्पेस दिए हुआ आप लोगों को, ठीक है. पिक्चर के अकॉर्डिंग समझना है कि पिक्चर किस चीज़ का पिक्चर है और यहाँ उसके वर्ड के अकॉर्डिंग फिलअप बॉक्सेस दिए हुआ है जिसमें हम लोगों को करेक्ट लेटर फिलअप करना है, ठीक है. उसके पिक्चर के अकॉर्डिंग देखकर एक किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा करेंगे अभी. तो फर्स्ट में क्या है, ये फ्लावर का पिक्चर है. तो फ्लावर तो एफ से स्टार्ट होता तो फ्लावर होगा नहीं, तो यहाँ दिए हुआ है प्रीटी, मतलब के बना हुआ है ऑलरेडी. प्रीटी मतलब खूबसूरत, फ्लावर क्या है, खूबसूरत है. तो पी आर ई टी टी वाई, प्रीटी, ठीक है. और इसमें जो है एक वर्ड दोबारा यूज़ करना है, ये भी आप लोग का प्रेफरेंस दिए हुआ है कि मतलब ये पिक्चर जो है उसमें एक वर्ड दोबारा यूज़ हो सकता है, सेम लेटर जो है दोबारा यूज़ करना है आप लोगों को. ओके, तो ये इजी हो गया. ये क्या है, घास है. घास को इंग्लिश में ग्रास कहते हैं, तो जी आर ए एस एस, ग्रास. ग्रास मतलब घास. उसी तरह से यहाँ शिप का फोटो है तो यहाँ शिप लिखना है हम लोगों को. क्या लिखना है, शिप. तो एस एच ई ई पी, शिप. उसके बाद है यहाँ दिया हुआ है स्लीप भरना. हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये सोया हुआ दिख रहा है क्योंकि ये जो एनिमल है उसका नेम तो नहीं हो सकता, या कैट या कोई भी डॉग, तो यहाँ पे सोते हुए दिख रहा है, तो इसलिए हम लोगों को क्या बनेंगे, एस एल ई ई पी, स्लीप मतलब सोना. और यहाँ क्या है, घास तो है नहीं, ये पहाड़ टाइप से लग रहा है, तो पहाड़ को इंग्लिश में कहते हैं हिल. क्या होगा, हिल, एच आई एल एल, हिल. यहाँ पर तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, गौर कर रहे हैं कि एक लेटर जो है सेम लेटर दो बार यूज हो रहा है, दोनों स्पेस में सेम लेटर यूज हो रहा है. तो इसके लिए आप लोगों को ईजी है ये, है ना. उसके बाद यहाँ पर क्या है, केनल, के ई एन एन ई एल, केनल मतलब जहाँ डॉग रहता है, कुत्ते रहते हैं वो. और इसमें तो बुक के पिक्चर के अकॉर्डिंग दिए हुआ है, ठीक है. तो आप लोग के पास तो बुक अभी अगर अवेलेबल नहीं है तो पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे ये चीज़ लिखना आप लोगों को, आप लोग पिक्चर छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, पिक्चर को नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ वन में प्रीटी इस टाइप से, लेकिन अंडरलाइन उसके नीचे देना है, डैश जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बना लेना है, ठीक है. समझ गए, ओके, थैंक यू.